बड़ी गहरी साजिश के तहत आपके नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। याद रखना, गहरी साजिश के तहत मैं कह रहा हूं। इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। और गहरी साजिश मैं क्यों कह रहा हूं? गहरी साजिश इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुकदमा बनाया है केजरीवाल जी के खिलाफ, दसवीं का बच्चा अगर सुनेगा, दसवीं का बच्चा, ईडी तो छोड़ दो, होमगार्ड को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, सिविल डिफेंस वालों को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, तो 3 घंटे के अंदर बता देगा कि फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है। जरा ध्यान से सुनना, और कार्यकर्ता साथियों, इसको घर घर में पहुंचाओ। कैसे गिरफ्तार किया गया केजरीवाल को? 162 गवाह ईडी के हैं, 162 गवाह, 294 गवाह सीबीआई के हैं, 294 गवाह, दोनों जांच एजेंसियों को मिला के 456 गवाह हैं, 456 गवाह, दोनों जांच एजेंसियों ने मिलाकर 50,000 पन्ने की चार्जशीट तैयार की है, 50,000 पन्ने की। और आपको मालूम है ये 456 गवाह और 50,000 पन्ने में केजरीवाल का नाम कितनी बार आया? कितनी बार आया? जोर से बोलिए, कितनी बार? 456 में से मात्र 4 गवाहों ने केजरीवाल का नाम लिया। उन 4 गवाहों ने किन परिस्थितियों में, किस दबाव में और कैसे अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, दिल्ली की 2 करोड़ महान जनता और देश की जनता और विपक्षी पार्टियों को पता होना चाहिए।